बिग बॉस सीजन 16 से निकलने के बाद आज कहाँ हैं ये बड़े कंटेस्टेंट, किन किन कंटेस्टेंट की चमकी है किस्मत, किस अपकमिंग प्रोजेक्ट में आने वाले हैं नज़र, तो फिर आपको ही बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के कंटेस्टेंट इन दिनों सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में हो, चाहे अंकित गुप्ता हो, प्रियंका चहर चौधरी, तीना दत्ता, शालीन भनोड या फिर सुंबुल तौकीर खान। लेकिन इन सभी कंटेस्टेंट आज के दिन क्या कर रहे हैं और किस अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, आखिर किसने मारा है सबसे ज्यादा बाजी और कौन निकला है सबसे आगे, तो फिर एक एक करके आपके सामने पेश करेंगे सारी लिस्ट। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है बिग बॉस सीजन 16 के अंकित गुप्ता का, जो कि भले ही बिग बॉस में एकदम शांत स्वभाव के हो, लेकिन उड़ारिया के बाद एक बार फिर अंकित गुप्ता वो कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने बिग बॉस के घर से निकलते ही एक बड़े शो में हाथ मारा था, और वो बड़ा शो है कलर्स टीवी का जुनूनियत, जिसमें गौतम विक भी इनका साथ दे रहे हैं। और अंकित गुप्ता की बिग बॉस से एक बार फिर चमकी थी किस्मत और अंकित गुप्ता इस शो में धमाल मचाते नजर आ रहे हैं। दूसरे हैं ये बड़े कंटेस्टेंट शालीन भनोट, बिग बॉस की कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट। भले ही शालीन भनोट की किस्मत में प्यार ना लिखा हो, लेकिन शालीन भनोट ने बिग बॉस के घर से खूब कमाई करने के साथ साथ एक बड़ा लाइमलाइट भी हासिल किया है। शालीन भनोट वो कंटेस्टेंट हैं जिनके निकलने के बाद एकता कपूर ने खुद लाइव आकर ये साफ किया था कि उनको बेकाबू शो में लीड रोल ऑफर किया गया है, और आज के डेट में कलर्स टीवी पे ये शो ऑन एयर हो चुका है और शालीन इस शो का लीड हिस्सा बन चुके हैं। थर्ड बड़ी कंटेस्टेंट हैं तीना दत्ता, द ब्रांड तीना दत्ता, जो कि अपने आप को एक ब्रांड बोलती थी, लिहाजा ये मैं आपको साफ कर दूं कि वो बिल्कुल ब्रांड है। घर से बाहर निकलने के बाद तीना दत्ता की किस्मत चमकी है और तीना दत्ता ने मारे हैं ये बड़े शो में बाजी। जय भानुशाली के अपोजिट तीना दत्ता, हम रहे या ना रहे हम, जिनमें सोनी टीवी के शो पे बहुत ही जल्दी दस्तक देने वाली है। इस लिस्ट में चौथा बड़ा नाम है प्रियंका चहर चौधरी का, जिसको बिग बॉस सीजन 16 का प्रखर दावेदार भी बताया गया था जीत का। प्रियंका के हाथ लगे हैं नागिन सीजन 7 का हिस्सा और एकता की नागिन की पहली पसंद बनी है प्रियंका चहर चौधरी। इस लिस्ट में पांचवा बड़ा नाम है निमृत कौर आलूवालिया का, मंडली की सदस्य निमृत कौर आलूवालिया ने घर में रहकर ही सबसे बड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट हाथ मार लिया था, जिसमें एकता कपूर ने घर में ही ये बड़ा ऐलान कर दिया था कि वो निमृत को अपनी वेब सीरीज लव सेक्स और धोखा का एक बड़ा प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाने जा रही है। और निमृत की किस्मत बिग बॉस के घर से ही चमकी थी और निमृत आज के डेट में कई सारे सॉन्ग करने के बाद अब बहुत ही जल्दी आपको एकता के इस बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती भी नजर आएंगी। और इस लिस्ट में पांचवा बड़ा नाम है एमसी स्टैंड का, रैपर एमसी स्टैंड, जिसने बिग बॉस के घर में सबको चौंका दिया था बिग बॉस की ट्रॉफी जीतकर। वो एमसी स्टैंड अब अपने लाइव कॉन्सर्ट के बाद कई सारे बड़े बड़े शोज और बॉलीवुड में भी डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इस लिस्ट में सुंबुल तौकीर खां का भी नाम शामिल है और सुंबुल तौकीर खां वो कंटेस्टेंट हैं जिनकी किस्मत सबसे ज्यादा चमकी है बिग बॉस सीजन 16 से। सुंबुल को भी बॉस सीजन 16 का दावेदार बताया गया था और ट्रॉफी के विनर का हकदार भी बताया गया था, लिहाजा सुंबुल ने इस शो को जीता हो या ना जीता हो फैंस का इस कदर से दिल जीता है, जिसके बाद सुंबुल के पास दर्जनों शोज का ऑफर है। सुंबुल म्यूजिक वीडियो के साथ धर्मपत्नी शो और डियर इश्क की वेब सीरीज में बहुत ही जल्दी अपने फैंस को बड़ा सौगात देने वाली है। इस लिस्ट में शिव ठाकरे, जो कि मंडली का कर्ता धर्ता माने गए थे, और शिव ठाकरे की किस्मत भी कहीं कम नहीं रही है। बिग बॉस के वन ऑफ द फाइनेस्ट कंटेस्टेंट रहे हैं शिव ठाकरे, वो अब बहुत जल्दी आपको खतरों के खिलाड़ी में एक बड़ा स्टंट करते हुए नजर आएंगे। तो ये थे वो बड़े कंटेस्टेंट बिग बॉस की जिनकी किस्मत बिग बॉस ने बदल दी और अब वो कंटेस्टेंट ये अपकमिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाले हैं और अपने फैंस को देने वाले हैं बड़ी सौगात। फिलहाल आपका कौन है ये फेवरेट कंटेस्टेंट, अपना ओपिनियन दीजिए हमें कमेंट बॉक्स में, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।